chemical method for rate of reaction. Last time हमने कुछ physical methods देखे थे जिसे हम लोग rate of reaction पता चला सकते हैं. Physical methods में हमने देखा था कि कोई एक physical quantity होती है जो rate से या concentration से directly proportional होती है और उस physical quantity को हम P कह सकते हैं. अगर वो physical quantity जो है वो change in intensity हो तो ऐसे method को फिर हम spectrometric method या spectrophotometric method बोलते हैं. इसके अलावा हम चेंज इन वॉल्यूम के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं जिसको फिर हम डायलेटोमेट्रिक मेथड बोलते हैं. फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी और फिर वो जो मेथड है वी कॉल इट रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड. फिर हमने एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड देखा था जिसमें हम रेजिस्टेंस या करंट की मदद से कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज देन कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड. एंड देन फाइनली हमने देखा था ऑप्टिकल रोटेशन मेथड. ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका एंगल जो थीटा है उससे आप पता चला सकते हो कि किस हद तक पोलराइज हुई है लाइट, यानी किस हद तक रोटेशन आई है पोलराइज लाइट की. ऑप्टिकल रोटेशन मेथड इसको हम बोलते हैं. आज जो हम लोग मेथड देखने जा रहे हैं इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, यानी इसमें हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मेजर करेंगे बल्कि हम केमिकली चेक करेंगे कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है. ये जो मेथड है ये नॉर्मली हेल्पफुल होता है सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी रिएक्टिंग टू फॉर्म सी एंड डी. एंड स्पेशली ये जो है अभी मैं आपको बताने लगा हूं दिस मेथड इज हेल्पफुल अगर आपके पास प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स में से कोई एक चीज एसिडिक या बेसिक हो, ठीक है. उसकी नेचर अगर एसिडिक या बेसिक है तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है. अदरवाइज दिस रिएक्शन दिस मेथड विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर आप एसिडिक या बेसिक नेचर नहीं है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की. वी स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जांपल, द एग्जांपल बीइंग CH3 एंड देन सी डबल बॉन्ड O O C C, बाकी इसके साथ आप H अटैच कर दें. ये जो मैंने अभी कंपाउंड बनाया है व्हाट डू वी कॉल इट फॉर योर इंफॉर्मेशन बाय द वे व्हाट इज दिस कंपाउंड. एसिटिक एसिड आपने वर्ड सुना हुआ है ना इससे पहले, एसिटिक एसिड. इसका क्या फॉर्मूला होता है? CH3COH. आई होप यू वुड रिमेंबर दिस. एसिटिक एसिड में से अगर आप एक H ये रिमूव कर दो, H प्लस आप अलग कर दो तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, H प्लस अलग हो जाता है. तो ये जो पूरा नेगेटिव चार्ज नेगेटिव जो आयन बना है इसको हम बोलते हैं एसीटेट, ठीक है. और ये जो इस साइड पे राइट साइड पे लिखा हुआ है पूरा, अगर इस पे आप गौर करो तो ये सिंपली कोई खास बात नहीं लिखी हुई, ये दो कार्बन हैं जिसके ऊपर सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं. इसको क्या बोलते हैं? दो कार्बन वाला स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो होता है उसको इथेन बोलते हैं, ठीक है. अब चूंकि यहां से आप अगर एक कार्बन हाइड्रोजन हटाओगे तो ये बॉन्ड्स कंप्लीट होंगे, तो यहां से आप एक हाइड्रोजन हटा के इसका लिंकेज बना दो विद दिस एसीटेट, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोलते हैं एथाइल एसीटेट. बहरहाल दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, बट यू शुड नो कि एथाइल एसीटेट है ये जो मैंने लिखा था. सो फॉर्मूला इज CH3COC2H5, राइट. ये ऊपर वाले को मैंने दोबारा इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है. एंड वंस यू एड वाटर इन इट, दिस थिंग विच आई रोट हियर इथाइल एसीटेट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एन एस्टर, ठीक है. एस्टर्स वो होते हैं जिनकी खुशबू होती है, परफ्यूम्स के अंदर यूज होते हैं. इट्स वन ऑफ द एस्टर्स, और एस्टर्स की ये प्रॉपर्टी है कि अगर इनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो आपके पास एक रिवर्स रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एंड यू गेट एन एसिड एंड अ बेस. तो जो इसमें आपके पास एसिड बनता है इन दिस केस, चूंकि आपने एसीटेट जो है एसिटिक एसिड जो है वो वापस आपके पास बन जाएगा CH3COH, ये वापस आपके पास आ जाएगा, और साथ जो बेस बनेगी दैट विल बी एथेनॉल C2H5OH, या इसको CH3CH2OH भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है. These will be the two products. I repeat, ये reaction क्या हो रहा है? एक ester है जो कि ethyl acetate है. You are trying to hydrolyze it. Hydrolyze means you are adding water into it in the presence of a catalyst. And the products are an acetic acid, which is also called ethanoic acid, and ethanol itself.
let's say for this reaction aap pata chalana chahte ho ke what is the rate of reaction and the stuff jo aapne usse pehle baatein ki, concentrations ke bare mein information aap pata chalana chahte ho aur aap rate of reaction ke bare mein information lena chahte ho. Ab physical methods are helpful, but ho sakta hai isme se koi bhi physical methods applicable in is tarah ke in reactants ya products ke upar na ho. Acha, aapne ye cheez padhi thi ke rate of reaction is equal to या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. और मैंने आपको फिर बताया था कि अगर आप यहां पे रिएक्टेंट्स लो, सॉरी प्रोडक्ट्स लो, तो आप डायरेक्ट कर देते हो, और अगर आप रिएक्टेंट्स ले रहे हो तो माइनस साइन लगाना पड़ता. और बेसिकली इन दोनों की वैल्यूज एक ही होती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड एक ही होता है, डायरेक्शन का डिफरेंस है. ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव साइन डिफरेंस. सो ओवरऑल आप रिएक्टेंट्स के थ्रू भी कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो, प्रोडक्ट्स के थ्रू भी निकाल सकते हो. ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग का जो लेक्चर था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने डिटेल में बात की थी इस बारे में. तो नाउ यू आर सपोज टू फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH व्हिच इज व्हाट एन एसिड. एक एसिड है, उसकी आपने कंसेंट्रेशन चेक करनी है. नाउ फॉरगेट अबाउट दिस रिएक्शन. अगर मैं वैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक एसिड की कंसेंट्रेशन चेक करने का क्या तरीका होता? सिंपली टाइट्रेशन. एसिड कोई भी हो, उसकी कंसेंट्रेशन चेक करने का एक ही तरीका होता है, आप उसकी टाइट्रेशन कर दो. नाउ मैं इसको अभी थोड़ा होल्ड पर रख रहा हूं, मैं आपको वैसे जनरली एक मेथड बताने लगूं एसिड टाइट्रेशन का, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में नॉर्मली ये होता है कि आपके पास कोई एक एसिड और एक ये मैंने पहले बेस लिखी थी NaOH, साथ एक एसिड का आप रिएक्शन कराते हो तो एक आपके पास सॉल्ट और साथ में वाटर फॉर्म हो जाता है. ठीक है, एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. आई होप आपको इस तरह की बातें बहुत सिंपल हैं, ये तो अब आपको पता ही होंगी. इफ आई आस्क यू कि अगर 36.5 ग्राम्स अगर आप लोग यूज करो HCl के, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि NaOH कितना यूज हुआ होगा? यानी अगर आपको सिर्फ बेस का पता हो कि कितनी यूज हुई है, तो क्या आप एसिड बता सकते हो कि कितना यूज होगा? बिल्कुल बता सकते हो. ये जो बैलेंस रिएक्शन है, ये आपको ये बता रहा है कि अगर एक मोल हो NaOH का, तो वो एक मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है. अब एक मोल HCl का वजन आप निकालो तो वो निकलता है 35.54 क्लोरीन एंड 14 हाइड्रोजन, यानी 36.5 ग्राम्स. वन मोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ HCl. इसका मतलब है अगर 36.5 ग्राम्स हैं, दिस रेफर्स टू वन मोल ऑफ HCl. अगर ये मैंने आपको दिया होता यहां पे 73 ग्राम्स, तो दैट वुड एक्चुअली बिकम टू मोल्स ऑफ HCl. ठीक है, तो अगर इसका एक मोल है, इसका भी एक होता है, तो बाय कंपैरिजन आप कह सकते हो कि इसका भी सूरत में एक ही होगा. तो आप NaOH का मास बता नहीं सकते? बिल्कुल बता सकते हो, मोल्स बता सकते हो आप इसके मास से, और बेसिकली आपको बेस के बारे में हर चीज पता चल जाएगी. तो अब प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि आपने ये चेक करना होता है कि एसिड की अगर कंसेंट्रेशन चेक, बेस की कंसेंट्रेशन चेक करनी है, तो आप चेक करो कि कितने एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो आपको बेस की कंसेंट्रेशन पता चल जाएगी. और अगर आपने एसिड की कंसेंट्रेशन पता करनी है, तो आप टाइट्रेशन करो उसकी और चेक करो कि कितनी बेस इस्तेमाल हुई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने NaOH 100 ग्राम्स यूज कर लिया, तो आप एन 100 ग्राम्स के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उतने ही मोल्स HCl के होंगे, बाय कंपैरिजन आप ये बात कर सकते हो, और फिर आपको HCl की कंसेंट्रेशन पता चल जाएगी. आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट. इस प्रोसेस को नॉर्मली टाइट्रेशन कहते हैं. टाइट्रेशन के अंदर हम लोग कोई एक इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं. इंडिकेटर का ये काम होता है कि वो आपको बताता है कि कब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है. यानी ऐसा ना हो कि आप एसिड थोड़ा ज्यादा डाल दो या बेस थोड़ी ज्यादा डाल दो. इसका तरीका ये होता है कि आप पहले कोई एक बीकर वगैरह के अंदर एसिड डाल के रखते हो. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल ली हुई है उसी को मैं बात करता हूँ. आपने एसिटिक एसिड जो है वो एक बीकर के अंदर लिया हुआ है. अब आपने चेक करना है कि ये एसिटिक एसिड कितना है. तो इसका तरीका ये है कि आप ऊपर से एक ब्यूरेट वगैरह लो और उसके अंदर आप बेस डाल के रखो, और आप यहां पे इस एसिड के अंदर जो है ना एक अदद इंडिकेटर भी डाल दो. इंडिकेटर जो होगा वो आप क्या यूज कर सकते हो, एक तो आप फेनोफ्थलीन यूज कर सकते हो. ये इंडिकेटर्स आपको बेसिकली कलर्स आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि एसिड ज्यादा है, बेस ज्यादा है, या न्यूट्रल है सोल्यूशन अभी तक. तो फेनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज या इस किस्म का कोई आप लिक्विड फॉर्म में इंडिकेटर आप एसिड के अंदर डाल दो. अब आप बेस आहिस्ता आहिस्ता ना इसके अंदर ड्रॉप ड्रॉप करके डालते जाओ,
कतरे कतरे बीच में गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है ना इसका कलर लाइट पर्पल होना शुरू हो जाएगा, एंड यू आर सपोज टू स्टॉप देयर। बिल्कुल जब पिंक सा हो जाएगा ना, यू आर सपोज टू स्टॉप देयर, तो वो आपका स्टॉपिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर आप देख लोगे कि ब्यूरेट के ऊपर आपने कितना बेस यूज किया इतने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अब आपको चूंकि बेस का वजन पता चल गया है तो आप बेस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है, वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास। और फिर नंबर ऑफ मोल्स आप बाय कंपैरिजन बता सकते हो कि एसिड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और फिर जब एसिड के नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो यू कैन टेल द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड। आई होप ये पूरी कहानी आपको याद रहेगी। अगर याद नहीं, अभी आपको समझ नहीं आया, आई विल रिकमेंड कि यही पूरा लेक्चर आप रिपीट करो, ठीक है, इसको आप शुरू से दोबारा सुनो सो दैट यू अंडरस्टैंड जो मैं सारी बात कर रहा हूं। नाउ लेट्स गेट बैक ओवर हियर। आपने एक एसिड है जिसकी आप कंसेंट्रेशन चेक करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि टाइट्रेशन यूज करते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है ये तो कंटिन्यूसली हो नहीं रहा होगा, यानी हो सकता है कि ये टाइम जीरो के ऊपर कुछ और एसिड की कंसेंट्रेशन होगी, टाइम 0.5 सेकंड्स के ऊपर कुछ और होगी, टाइम 1 सेकंड के ऊपर कुछ और, टाइम 1.5 सेकंड्स के ऊपर कुछ और, एंड सो ऑन, ये तो हर पॉइंट के ऊपर कुछ और होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा आपने किस वक्त की पता की है? इसका तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने टाइम 1 सेकंड के ऊपर आपने चेक करना है कि एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो आप क्या करो कि जो ही एक सेकंड हो ना, सॉल्यूशन के अंदर आप आइस कोल्ड वाटर डाल दो, या सॉल्यूशन के अंदर आइस कोल्ड वाटर डाल दो, एक तरीका यह है, या आइस कोल्ड वाटर लो और उसके अंदर ही पूरा सॉल्यूशन डाल दो, या कोई बीकर है ना जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्टेंट्स भी उसके अंदर हैं और प्रोडक्ट्स उसी के अंदर बन रहे होंगे, आप इसके अंदर आइस कोल्ड वाटर डाल दो। एंड यू माइट बी नोइंग दिस कि जो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वो रुक जाता है, तो लो टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर खासा कम होता है, जो रिएक्शन है वो सीज कर जाएगा, रुक जाएगा, रुकने को सीज करना भी बोलते हैं। तो चूंकि अब रिएक्शन रुक जाएगा, अब आप उसकी टाइट्रेशन करके तो पता चला सकते हो कि उसमें कितने एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है। तो आप ऐसा करो कि पहले टाइम जीरो के ऊपर एसिड की कंसेंट्रेशन चेक करो टाइट्रेशन के थ्रू बर्फ डाल के, फिर आप टाइम 1 सेकंड के ऊपर चेक करो कंसेंट्रेशन अगेन टाइट्रेशन करके, टाइम 2 सेकंड्स के ऊपर, एंड सो ऑन। आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट्स ये प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, आपके पास जब 5 या 6 ऑब्जर्वेशंस हो जाए ना तो फिर आप स्टॉप कर दो। अब आप ये करो कि इन 5-6 ऑब्जर्वेशंस का एक ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ का जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर आप कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड लिखो, और ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आप टाइम लिखो। तो फॉर एग्जाम्पल एट दिस रिस्पेक्टिव टाइम एसिड की कंसेंट्रेशन थी इतने, अब जो इससे थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी एसिड की या कम होगी, डिपेंड्स कि एसिड जो था वो रिएक्टेंट था या प्रोडक्ट था। जो मैंने आपको एग्जाम्पल ली थी उसमें एसिड जो था वो प्रोडक्ट था कि रिएक्टेंट था, लेट्स गो अप एंड सी। एसिड, दिस एसिटिक एसिड वॉज इन द प्रोडक्ट, आई होप यू कैन सी दिस, ये मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, दिस इज इन द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं जो जो टाइम गुजरता जाता है। सो ये तो अभी मैं रैंडमली पॉइंट्स प्लॉट करता जा रहा हूँ, जब आप रियल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट पॉइंट्स आते जाएंगे यूं करके, एंड यू कैन ज्वाइन दीज रीडिंग्स टू मेक अ ग्राफ लाइक दिस, एंड दिस इज द ग्राफ जिससे आप फिर रेट ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। क्योंकि शुरू में जब स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स में आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। मैं इसको अभी तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूं, इक्वल नहीं कर रहा, उसके रीजन ये है कि एक दूसरा भी आपके पास प्रोडक्ट था और वो भी मैटर कर रहा होगा, सो बट यू कैन से दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट डजंट मैटर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस। और स्लोप निकालने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप चेक करना चाहते हो कि इस वक्त इस मखसूस टाइम के ऊपर, जो यहां पे फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड्स है, अगर 2 सेकंड्स के ऊपर आप चेक करना चाह रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप यहां पे 2 सेकंड्स के ऊपर एक टेंजेंट लाइन लगाओ, क्योंकि अब तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए ना, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो और इस टेंजेंट लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स लेके तो उससे स्लोप निकाल लो, जैसे हम मैथ्स के अंदर निकालते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 विल गिव यू स्लोप, एंड दैट स्लोप विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम।
सिमिलरली अगर आप इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहे हो यानी एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड्स आप चेक करना चाह रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो टाइम 0 के ऊपर दिस इज द टेंजेंट लाइन ठीक है आप इस टेंजेंट लाइन के ऊपर से कोई भी दो पॉइंट्स लेके तो उससे आप स्लोप निकाल लो वो आपको इनिशियल रेट दे सकता है दूसरा तरीका ये है कि आप ये वाला एंगल चेक कर लो और कैलकुलेटर से इसका टेंजेंट कैलकुलेट कर लो टेंजेंट ऑफ दिस थीटा अगेन दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप आप ये वो थीटा वाली बात यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल आप ये एंगल अगर ले लो तो इसका जो टेंजेंट होगा उसका वही आंसर होगा जो इस तरीके से आपकी स्लोप निकल रही है ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ दिस इज ओवरऑल कॉल्ड द केमिकल मेथड इस मेथड के अंदर हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन यूज की है टू डिटर्मिन द कंसेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ आइदर द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट जिसमें से कोई एक चीज लाजमन या तो एसिड या बेस होनी चाहिए क्योंकि आप टाइट्रेशन कर रहे हो आपके लिए जरूरी है कि आप उसको एसिड या बेस के हिसाब से टाइट्रेट करो इसी रिएक्शन के ऑर्डर वगैरह को भी अगर चेक किया जाए और ज्यादा डिटेल में बात की जाए तो वी रीच द कंक्लूजन कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द एस्टर जो शुरू में मैंने इथाइल एसिटेट लिया था टू द पावर वन एंड साथ उसके जो दूसरा जो रिएक्टेंट था डेट वॉज वाटर क्योंकि हम उसके अंदर वाटर डाल रहे थे तो वाटर के ऊपर इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू जितने भी हम सोल्यूशंस के अंदर रिएक्शन कर रहे होते हैं ना उनके अंदर जो वाटर है ये बढ़ाने या कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता यही रीजन होती है कि हम अक्सर पानी डाल देते हैं मसलन आप अक्सर लैब्स के अंदर देखोगे कि एसिड्स के अंदर उनको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया होता ठीक है उसके अंदर पानी डाल 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 के बहुत ही डाइल्यूट हुए होते हैं कंसेंट्रेटेड बिल्कुल नहीं होते बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता एज फार एज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न बट हाँ ये है कि द ओवरऑल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क लाजमी पड़ेगा क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है उसके अंदर एक्चुअल जो रिएक्टेंट है वो तो खासा कम है बाकी तो पानी है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यू कैन से लाइक दिस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बट कितना तेज या स्लो हो रहा है रिएक्शन वो पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड दिस इज द सेम इज द केस फॉर दिस रिएक्शन जो भी ऊपर आपने पढ़ा है And I hope you understood it very well. It was a very interesting topic, the chemical method to determine the rate of a chemical reaction. इसे जो हमारा next topic है, again it is a continuation of one of the previous topics. जैसे हमने एक initial rate method देखा था ना? Initial rate method से हमें क्या पता चलता था? एक तो rate equation और दूसरा order के बारे में information मिलती थी. So जो next हमारे topics हैं, they are concerned with the order of reaction. And there are two basic topics जिसके बारे में हम detail में बात करेंगे. एक तो half-life method. Again, this is used to determine the order of reaction. Half-life method. And the second one, which is called the method of large excess. हम इनका एक जनरल सा ओवरव्यू लेंगे मेथड हाफ लाइफ मेथड को ज़्यादा डिटेल में हम देख लेंगे इन दोनों का जो बाकी डिटेल्स हैं विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर